हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा। सो लाइक यू नो, वी हैव स्टार्टेड आवर सीरीज ऑन एरर डिटेक्शन, एंड उसी को आगे बढ़ाते हुए आई ब्रिंग यू दिस अनदर सेशन। सो IBPS एग्जामिनेशन, IBPS PO की नोटिफिकेशन आउट हो गई है, एंड दिस सेक्शन आर इम्पॉर्टेंट फॉर दैट ऑल्सो। IBPS के एग्जामिनेशन में भी हमारे एरर डिटेक्शन, एरर स्पॉटिंग के पार्ट्स आते हैं, उनके क्वेश्चन आते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सो जैसे कि वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि होते क्या हैं ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें एवरीथिंग इज डिवाइडेड इनटू फाइव और फोर पार्ट्स, ए बी सी डी ई या डी तक। सो द लास्ट पार्ट इज ऑलवेज नो एरर। सो हमें ध्यान में रखना है कि शायद से कोई एरर हो भी नहीं सकता। सो इन टुडेज सेशन वी विल टैकल एरर्स रिलेटेड टू वर्ब्स। सो वर्ब्स होते क्या हैं? So from the very initial stage when we have started studying English, so वहाँ पर हमें बताया जाता है कि verb क्या होता है। verb का मतलब होता है क्रिया, the thing we are doing actually, the thing, a verb is a doing word, the thing we are doing, जो action हो रहा है, जो event हो रहा है या होगा, या फिर एक state, past, present or future, ये सारी चीज़ें हमें verb से पता लगता है। सो वर्ब इज वॉट, लाइक आई एम टीचिंग, सो इसमें वर्ब आ गया टीचिंग, बिकॉज इट इज़ हैपनिंग, द थिंग विच इज डायरेक्टली बींग डन इज वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो फॉर अ रन, रन इज वर्ब। सो एवरी एक्शन इज वर्ब, रनिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जम्पिंग, वर्ब, जो चीज़ हो रही हो, जो चीज़ कर रहे हो, द एक्चुअल एक्शन इज वर्ब। So verb is in itself also divided into two parts. It's the main verb and there is the auxiliary verb. Auxiliary verb simply means helping verb. Okay, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर में। Let us just read and go through this. A verb is a doing word that shows an action, event or state. Like I am teaching. This is an action being done right now. A sentence may either have a main verb or a helping verb. Helping verb is auxiliary verb itself. I will teach. Will. Will aa gaya hamara auxiliary verb. Okay? In other words, a verb is a word that informs about an action, an existence or something, of something or occurrence. Ki kab hogi? Will happen, is happening. I will do it. Right? The verb is the main word in a sentence. So when the initial thing a verb, a sentence implies is simply कि वो एक idea या फिर एक thought या फिर एक चीज़ होती है जो हम communication जिसको बोलते हैं। हम communicate हमेशा direct words में करना चाहते हैं कि जो मैं बोलना चाहती हूँ वही मैं आपको समझा पाऊँ। So this is what is communication is. So, the main word is always verb. I am teaching. यही वाला example से मैं आपको हर एक चीज़ समझा भी सकती हूँ। I am teaching. So, teaching is the main word. क्योंकि मैं यही वाली चीज़ बताना चाहती हूँ। Subject is something else. वो हम आगे समझेंगे। Subject is something else. अभी हम बात कर रहे हैं main word की। Teaching. Subject is the direct thing. डायरेक्ट पर्सन, वो एक नॉन लिविंग थिंग या फिर एक लिविंग थिंग हो सकती है सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट इज द डायरेक्ट थिंग जो कि वो चीज़ करेगी। ओके, आई एम द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, आई एम टीचिंग। टीचिंग इज व्हाट? मेन वर्ब। आई विल टीच। विल इज ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, देर आर थ्री टाइप ऑफ वर्ब्स, एक्शन, लिंकिंग एंड हेल्पिंग। ये हम धीरे 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 समझेंगे जब मैं वर्ब्स, नाउन, प्रोनाउंस, इन सब की एक अलग से ही सीरीज बनाऊंगी तब। राइट नाउ वी विल टैकल सम ऑफ द क्वेश्चंस जिसमें होंगे एरर्स, एंड यू कैन पॉज द वीडियो व्हेन आई विल ब्रिंग अप द क्वेश्चन इटसेल्फ। लाइक इधर आप पॉज कर सकते हो वीडियो, एंड देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विद मी एज वेल। सो द क्वेश्चन इज, ही ऑर्डर्ड एज इफ He was my master. No error. So the error is in the part C. C. Replace was by were.
ही ऑर्डर्ड एज इफ ही वर माई मास्टर. सो वर्ब्स जो होते हैं दे ऑलवेज टेल अस समथिंग अबाउट आर स्टेट एज वेल. स्टेट का मतलब है कि कौन सी स्टेट में है हम अभी प्रेजेंट में हैं, या फिर हम अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, या फिर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. दैट्स वाई द टेंसेज आर ऑलवेज रिलेटेड टू वर्ब इट सेल्फ. वी हैव टू यूज कॉन्शियसली कि वर्ब के साथ कौन सी टेंस लगेगी. ओके, वी विल नॉट गो डीपली इन दैट बिकॉज ये वाली चीज़ हम एक अलग वे में भी टैकल कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड योर इंटेलेक्ट. ओके, ही ऑर्डर्ड एज इफ ही वर माई मास्टर. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉज, वॉज मतलब कि जो कि हो चुका है, वर मतलब कि जो कि है. ओके, ही ऑर्डर्ड एज इफ ही वॉज, नहीं ही वर माई मास्टर. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गॉड सेव्स द क्वीन ऑफ विक्टोरिया. सो यहाँ पे कहाँ पे आपको लग रहा है कि एरर है? द एरर इज इन द पार्ट ए इटसेल्फ. गॉड सेव द क्वीन ऑफ विक्टोरिया. सो सेव्स और सेव में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. सेव एंड सेव्स जो होते हैं ये इसका डिफरेंस बहुत माइन्यूट है, सॉरी, लेकिन वी यूज़ इट डिफरेंटली. सेव का भी मतलब सेम है और सेव्स का भी मतलब सेम है, ठीक है, लेकिन ये वाली चीज़ आ जाती है सेव या सेव्स में क्या अंतर है. इट्स द डिफरेंस ऑफ टेंस. सेव इज द प्रेजेंट एंड सेव्स मतलब कि पास्ट टेंस. ओके, पास्ट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में भी सेव्स हम यूज कर सकते हैं. सेव्स, सेव, सेव्स. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इट वॉज सो पोएट्री वुड सीज टू मैटर. सो द एरर इज इन द पार्ट ए जहाँ पे वॉज लिखा हुआ है. यहाँ पे होगा इफ इट वर सो पोएट्री वुड सीज, मतलब कि अगर ये होता तो पोएट्री सीज मतलब कि खत्म हो जाती. अगर ये है तो नहीं होगा, क्योंकि ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं इसलिए हम वॉज नहीं वर लगाएंगे. द मेरिट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेरिट ऑफ दीज बुक्स आर नोन टू एवरी वन. सो द एरर इज इन द पार्ट सी. यहाँ पे आर नहीं इज आएगा बिकॉज ऑल द क्वेश्चन, ऑल द स्टेटमेंट इज इन प्रेजेंट टेंस. ओके, रिप्लेस आर बाय इज. सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड द सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट टेंस इज वेल, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द मेरिट ऑफ दीज बुक्स इज नोन टू एवरी वन. हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट इज मेरिट, क्योंकि डायरेक्टली हम ये दर्शाना चाहते हैं. ओके, द मेरिट ऑफ दीज बुक्स इज नोन टू एवरी वन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरिया आर वेरी बैड. सो यहाँ पे कंडीशन जो है दैट इज सिंगुलर, यहाँ पे ये सिंगुलर है. सो दिस बीइंग सिंगुलर देन दिस विल ऑल्सो बी सिंगुलर. ओके, सो द एरर इज इन द पार्ट डी. द कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरिया इज वेरी बैड, क्योंकि ये स्टेटमेंट वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू द प्रेजेंट टेंस इटसेल्फ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मेल ऑफ दीज रोजेस फ्लावर, दीज रोज फ्लावर्स आर वेरी स्वीट. नो एरर. सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रोज फ्लावर आर, पकड़ा गया, ये रहा एरर. ओके, सो द एरर इज इन द पार्ट सी वेर वी हैव टू रिप्लेस आर बाय इज, बिकॉज स्टेटमेंट एक तो हमारी प्रेजेंट टेंस की आ गई, दूसरी क्या हो गया, रोज इज सिंगुलर, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर आ गया, इसलिए हम आगे वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडोलेंस messages received on the death of Mrs. Gandhi speaks highly of her greatness. So हमारा error आ गया in the part D itself because यहाँ पे speaks आ गया, ये वाली चीज़ गलत है. यहाँ पे messages, sorry, हमारा जो condolences है that is singular. Condolence messages, messages is plural but condolence is the direct subject. That's why हमारा यहाँ पे स्पीक आना था. ओके,
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमिक ऑपरेशन इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज हैव इंक्रीज सब्सटेंशियली नो एरर सो द एरर इज इन द पार्ट सी हैव नहीं आएगा यहाँ पे हैज आएगा इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्री हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली पहली बात स्टेटमेंट प्रेजेंट टेंस की है दूसरी बात यहाँ पे हमारे जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है दैट इज सिंगुलर एंड दैट्स वाई उसका इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हैव बीन एंगेज्ड फॉर द इनॉग्रेशनल इनॉग्रेशन फंक्शन नो एरर सो द एरर इज इन द पार्ट बी इटसेल्फ रिप्लेस हैव बाय हैज द बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हैव बीन एंगेज्ड फॉर द इनॉग्रेशनल फंक्शन सो यू कैन सी सब्जेक्ट यहाँ पे कितना ज़्यादा मायने रखता है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हमारा आगे जो भी वर्ब लगेगा वो भी हमारा सिंगुलर होएगा यहाँ पे बैंड की जगह बैंड होता तो हम हैज की जगह हैव लगा देते हैव विल बी वुड हैव बीन करेक्ट ओवर देयर इफ दिस वुड हैव बीन बैंड राइट अ बैंड ऑफ फिर अ नहीं आता बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हैव बीन एंगेज तब आता अब यहाँ पे है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन हैज बीन एंगेज्ड सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पर्सन इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी आर जनरली स्मॉल नो एरर सो द एरर इन द पार्ट सी आर पहले हम छोटी बात कर रहे हैं छोटे लोगों के मतलब कि छोटे पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं द नंबर ऑफ पर्सन इंटरेस्टेड सो नंबर्स नहीं है नंबर है सो दैट्स वाई ये छोटा ये हुआ हमारा सिंगुलर तो ये भी हमारा सिंगुलर हो जाएगा सो यू कैन सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ नोइंग द सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट क्या है हमारे सेंटेंस में हमारे स्टेटमेंट में सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैनेजर्स कमेंट्स ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट मैचेस फॉर दिस टूर has been generally praised. Okay? यहाँ पे error है is in the part D. D. Replace has been by have been. Has been by have been. Subject जो है हमारा manager's comment is plural. Okay? यहाँ पे हमारा क्या हो गया manager's comment plural आ गया इसलिए has नहीं have आएगा. Okay? You can correlate कि क्या हो रहा है यहाँ पे. जब जहाँ पे हमारा plural है तो वहाँ पे हम हैव लगाएंगे जब हमारे पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज लगाएंगे सो यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस अबाउट इट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट वॉज नॉट नोन टू मी ओके तो यहाँ पे भी देखो डिटेल्स है डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट वॉज नॉट नोन टू मी सो द एरर इज इन द पार्ट सी हमें यहाँ पे वॉस की जगह व लगाना है डिटेल्स क्या है प्लूरल है डिटेल्स प्लूरल आ गया सो यहाँ पे हमें वर्ब भी जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हमने पहले भी डिस्कस करा था मेन वर्ब भी हो सकता है हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है दोनों भी यूज़ कर सकते हैं एक एक भी यूज़ कर सकते हैं सो डोंट गेट कन्फ्यूज इन दैट ओनली रिप्लेस वॉज बाय व सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लार्ज पार्ट ऑफ द Distinctive features of the mind is due to its being an instrument of communications. Communication, okay? A large part of the distinctive features of the mind is due to its being an instrument of communication. So the error is in the part C itself. As you can see, यहाँ पे हमें R को replace करना होगा of Replace is by हमें इधर is को change करना है by R ठीक है A large part of the distinctive features of the mind are due to it being an instrument of communication ठीक है Noun feature is plural A large part of the distinctive features यहाँ पे distinctive features ये आ गया हमारा plural okay Distinctive feature is our subject is our noun okay
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ द मैंगो आर रॉटन. सो द पार्ट ऑफ द मैंगो आर रॉटन. हमारा एरर इज इन द पार्ट सी. यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे इज आएगा. अ पार्ट, एक पार्ट सिंगुलर. अ पार्ट ऑफ द मैंगो इज रॉटन, लाइक मैंगो में एक पार्ट था, दैट इज रॉटन ओनली. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आर सेशन. सो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.